जब सत्ता की ताकत के सामने सवाल कमजोर पड़ जाए तो आवाज बुलंद करनी पड़ती है। बोल कि लब आजाद है तेरे, न्यूज क्लिक पर मेरे साथ। बोल कि लब आजाद है तेरे, बोल सभा अब तक तेरी है। नमस्कार, बोल कि लब आजाद है तेरे और बोल में आज इन दो मुद्दों की हम चर्चा करने जा रहे हैं जिनका ताल्लुक कोरोना वायरस से है। पहला मुद्दा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार शाम को कहा है 5 बजे लोग थाली बजाएं ताली बजाएं, मगर लोगों की दिमाग की बत्ती गुल हो गई है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने इसके एवज में जो एक वाहियात प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया है उसने हम सबको दिमागी तौर पर एक्सपोज कर दिया है। मुद्दा नंबर दो, कनिका कपूर ये वो है बेबी डॉल में सोने दी, इस एक महिला ने हमारी पूरी व्यवस्था को एक्सपोज कर दिया है। इस एक महिला ने अपने राजनीतिक रसूख के चलते कई लोगों की जान खतरे में डाल दी है, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल हैं, देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी शामिल हैं और वो मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से बताना चाहूंगा। शुरुआत में करना चाहूंगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कहा है कि हम रविवार को एक लॉकडाउन करने वाले हैं और शाम को 5 बजे बाहर आएंगे, तालियां बजाएंगे, थालियां बजाएंगे। और क्यों? क्योंकि हमारे डॉक्टर्स, हमारे पत्रकार, हमारे दिहाड़ी मजदूर एक मुश्किल लड़ाई लड़ रहे हैं, जमीन पर हैं, कोरोना वायरस के खतरे से जूझ रहे हैं, उनकी हौसला अफजाई के लिए हमें यह लड़ाई लड़नी है। मगर बीजेपी की प्रोपेगेंडा मशीनरी क्या कर रही है यह मैं आपको बताने वाला हूं और कुछ पत्रकार उसमें किस तरह से साथ दे रहे हैं। आपके स्क्रीन्स पर यह हैं भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता शाइना एनसी, क्या कह रही हैं आप खुद देखिए। आवर लीडर नरेंद्र मोदी इज क्लास अपार्ट, ही डिजर्व्स अ स्टैंडिंग ओवेशन। पुराणों के हिसाब से घंटी और शंख के आवाज से बैक्टीरिया, वायरस आदि मर जाते हैं, इसलिए पूजा के समय हम लोग घंटी और शंख बजाते हैं। 120 करोड़ लोगों के घंटी, शंख, ताली, बर्तन बजाने के पीछे कितनी बड़ी सोच है मोदी जी की। यही नहीं दोस्तों, आपके स्क्रीन्स पर एक और स्क्रीनशॉट तैर रहा है, उसमें भी यह बताया जा रहा है कि अमावस की रात है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मास्टर स्ट्रोक है और इससे कोरोना वायरस खत्म हो जाएगा। सबसे पहले तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शाइना एनसी मूर्ख ना समझे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर कहा है कि तालियां बजाएं ताकि लोगों की हौसला अफजाई हो। उन्होंने कहीं पर भी यह नहीं कहा कि ताली बजाने से वायरस भाग जाता है। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यकीनन ओम के उच्चारण से, मंत्रोच्चारण से सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है, पॉजिटिव वाइब्स जाती हैं, मगर अगर कोरोना वायरस का इलाज होता तो हमारे तो घर घर में मंदिर है, हमारे गली गली में मंदिर है, मस्जिद हैं, गुरुद्वारे हैं, कहीं पर मंत्रोच्चारण हो रहा है, कहीं पर अजान दी जा रही है, कहीं पर एक ओंकार का नारा लगाया जा रहा है, तो कोरोना वायरस को तो भारत में घुसना ही नहीं चाहिए था। कोरोना वायरस को हमारे एयरपोर्ट्स में दम तोड़ देना चाहिए था। तो ये कैसे हो रहा है दोस्तों कि इतने मंत्रोच्चारण के बावजूद कोरोना वायरस जो है भारत में प्रवेश कर गया। आपको अंदाजा है कि एक प्रोपेगेंडा मशीनरी के चलते आप लोग दिमाग से कितना पैदल हो गए। मैं कह रहा हूं कि सकारात्मक ऊर्जा रखिए, उसमें कोई मना नहीं कर रहा है, मगर सिर्फ एक दिन के लिए मत रखिए ना, साल भर रखिए पॉजिटिव वाइब्स, सकारात्मक ऊर्जा। पिछले 5 साल आपको सकारात्मक ऊर्जा रखनी चाहिए थी, क्योंकि पिछले 5 साल आप क्या करते रहे? 5 साल आप न्यूज चैनल्स पर घटिया, गंदे और हिंदू मुस्लिम वाले लोगों को बांटने वाले डिबेट्स देखते रहे और अब अचानक आपको मंत्रोच्चारण की याद आ रही है। पिछले 5 साल से आप क्या कर रहे थे बताइए? पिछले 5 सालों से क्या आपने खुद से जो मुख्तलिफ विचार रखता है, अलग विचार रखता है, क्या आपको आपने उसको गालियां नहीं दी थी? क्या आपने हिंदू मुसलमान नहीं किया था? क्या आपने उस सियासत का समर्थन नहीं किया था जो हम सबको बांटती है और अब अचानक आपको मंत्रोच्चारण की याद आ रही है? बात यहां नहीं रुकती दोस्तों, ये देखिए, ये एक पत्रकार हैं, ये क्या कह रही हैं। पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि पत्रकार राजदीप सरदेसाई ने कहा
कि एज अ सिटीजन आई फुल्ली एंडोर्स जनता कर्फ्यू अपील ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड विल ऑब्जर्व द सेम. मैं जनता कर्फ्यू का समर्थन करता हूं. एज अ पेरेंट ऑफ अ यंग डॉक्टर ऑन द फ्रंट लाइन ऑफ फाइट अगेंस्ट कोरोना आई अपलॉड हिम एंड मेनी अदर्स लाइक हिम विद अ प्रेयर एंड सल्यूट नॉट अ ताली नॉइज मेकिंग ओनली व्हेन वी विन दिस बैटल. राजदीप सरदेसाई क्या कह रहे हैं कि देखिए अगर आपको ताली बजानी है तो जीत के बाद ताली बजाइए. अब इसके जवाब में यह पत्रकार महोदया क्या कहती है देखिए. द ताली इज नॉट अ नॉइज राजदीप. ये शोर नहीं है ताली बजाना. इट्स अ स्मॉल थिंग. सम मे डिसमिस इट एज नॉइज बट व्हेन एवरीवन विल डू इट टुगेदर इट इज नो लेस देन द पावर ऑफ अ मंत्र. यानी कि अगर सब ताली बजाएंगे तो ये मंत्र जैसा होगा. तो मैं वही तो कह रहा हूं ना, मंत्र अच्छी बात है, इससे सकारात्मक ऊर्जा फैलती है, मगर क्या इससे कोरोना का इलाज होगा बताइए ना. और मैं फिर आपसे कह रहा हूं, अगर इस मंत्रोच्चारण से कोरोना का इलाज होता तो इस देश में कोरोना प्रवेश ही नहीं करता. क्योंकि यहां तो लाखों करोड़ों मंदिर हैं, लाखों करोड़ों गुरुद्वारे हैं, मस्जिद हैं. कुछ दिनों पहले मैंने सुना किसी व्यक्ति को ये कहते हुए कि साहब मस्जिद के बाहर हमने भीड़ लगाई हुई है, हमें कुछ नहीं होगा, हमारे साथ अल्लाह हैं. ठीक है भाई, अल्लाह हैं आपके साथ, मगर बीमारी बीमारी होती है. सवाल यहां पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप अपनी सरकार से यह पूछ रहे हैं कि उन्होंने क्या ठोस कदम उठाए? आपकी स्क्रीन पर जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन से पूछा गया कि आप जो इकोनॉमिक टास्क फोर्स जिसका जिक्र प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में किया था उसको लेके क्या कर रही हैं, तो उन्होंने कहा कि अभी इसको वक्त लगेगा. आप खुद जानते हैं कि कैनेडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने अपने बयान में स्पष्ट कदम उठाए थे. श्रीलंका ने पूरे देश में लॉकडाउन कर दिया है, मगर उसके बावजूद उन्होंने अपने बैंक्स को नसीहत दी है कि आप अपने लोगों से 6 महीने तक कर्जा नहीं लेंगे और बिजनेसेस के लिए 4% लोन देंगे. केरल में भी आप जानते हैं हजारों करोड़ का लोन दिया गया है, वहां पर भी काम हो रहा है. मगर मैं पूछना चाहता हूं कि केंद्र सरकार ने अपने स्तर पर क्या क्या किया है. मैं तारीफ करना चाहूंगा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, जिन्होंने यह कदम उठाया है. उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि जो दिहाड़ी के मजदूर हैं हम उनके लिए अहम कदम उठाएंगे. आपके स्क्रीन पर दोस्तों ये दिखाई दे रहा है, उन्होंने करीब 15 लाख दिहाड़ी मजदूरों और करीब 20 लाख जो कंस्ट्रक्शन में लगे जो लोग हैं उन्हें 1,000 रुपए देने का फैसला किया है. क्योंकि आप जानते हैं दोस्तों ये बीमारी अमीर देशों से आई है, अमीरों द्वारा लाई गई है, मगर इसका खमियाजा गरीब भुगत रहा है. लिहाजा हम सबको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ करनी चाहिए कि उन्होंने ये कदम उठाया. इसी तरह के कदम कई और राज्य उठा रहे हैं. मगर वही सवाल मैं फिर से आपसे पूछना चाहता हूं, आप जो मध्यम वर्गीय पढ़े लिखे लोग हैं, आप क्या कर रहे हैं? क्या आप उन तमाम कदमों का पालन कर रहे हैं या आपका सहारा सिर्फ मंत्रोच्चारण है? बोल के लब आजाद है तेरे में. अब मैं जो दूसरा मुद्दा आपके सामने उठाने वाला हूं वो है कनिका कपूर का. यह अपने आप में बहुत ही अजीबोगरीब मुद्दा है कि एक औरत जो कि गायिका है, जिसका राजनीतिक तौर पर जबरदस्त रसूख है, उसने कई हजार लोगों की जान खतरे में डाल दी है. कैसे? उसके लिए आपको सबसे पहले देखना होगा हिंदुस्तान टाइम्स का यह ग्राफिक, और इससे आप समझ सकते हैं कि कनिका कपूर ने किस तरह से लोगों की जान खतरे में डाल दी. और इनमें हमारे राष्ट्रपति भी हो सकते हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी हो सकते हैं. दोस्तों अगर आप ये ग्राफिक देख रहे होंगे तो इसमें आप देख सकते हैं सबसे ऊपर कनिका कपूर जो 9 मार्च को मुंबई पहुंचती हैं और उसके बाद वो जाती हैं सांता क्रूज अपने रिकॉर्डिंग स्टूडियो में. उसके बाद 11 मार्च को वो लखनऊ जाती हैं, लखनऊ में एक नहीं दो नहीं तीन तीन पार्टीज अटेंड करती हैं और फिर वो कानपुर आती हैं. अब जब वो लखनऊ पहुंचती हैं तो जो FIR इनके खिलाफ दर्ज किया गया है, इस FIR के मुताबिक कनिका कपूर कोरोना वायरस के लिए पॉजिटिव पाई गई, यानी कि उनमें लक्षण थे कोरोना वायरस के, ये उनका FIR कह रहा है. अब मेरे यहां दो सवाल हैं. पहली बात, क्या वाकई हमारे पास ऐसी सुविधाएं जिससे हम एयरपोर्ट में पता लगा सकें कि किसी को कोरोना वायरस है? नंबर एक. नंबर दो, अगर इसे कोरोना वायरस पॉजिटिव था कनिका कपूर को, तो इसे क्यों नहीं अस्पताल भेजा गया?
क्योंकि ये FIR साफ तौर पर कहा गया है कि नसीहत दी गई थी इन्हें 14 दिन के लिए अलग थलग रखा जाए, 14 डेज क्वारंटीन। आखिर कनिका कपूर कैसे व्यवस्था को ठेंगा दिखाकर निकल गई? क्या इसका जवाब ये सेल्फी है? इसमें आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वो सेल्फी खिंचवा रही हैं। तो आप कह सकते हैं साहब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ तो कोई भी सेल्फी खिंचवा सकता है। अब एक और न्यूज आइटम देखिए। इस न्यूज आइटम में आप देख सकते हैं कि किस तरह से वो वेम्बली के अंदर प्रधानमंत्री के समारोह में गाना गा रही थी। बात यहां नहीं रुकती। जो पार्टी उन्होंने आयोजित की या जिन पार्टीज में वो गई उनमें आप देखिए, अकबर अहमद डंपी की इस पार्टी में आप देख सकते हैं राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया के साथ हैं। बात वहां नहीं रुकती है, सांसद दुष्यंत सिंह के साथ भी यहां दिखाई दे रही हैं। और आप देख सकते हैं वसुंधरा राजे सिंधिया के कितने करीब हैं ये। अब लोकायुक्त संजय मिश्रा की ये पार्टी देखिए, यहां पर सारे जो धन्ना सेठ हैं, सारे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो मजे कर रहे हैं। ये कनिका कपूर वहां पर भी पहुंची हुई है और यहां पर भी खुलेआम जो है ऐश हो रही है। अब वापस मैं चाहता हूं आप इस मैप पर निगाह डालें जो कि हिंदुस्तान टाइम्स में, कनिका कपूर की पार्टी में कौन कौन लोग थे आपके सामने? वसुंधरा राजे सिंधिया, दुष्यंत सिंह, उन्हें आप देख चुके हैं। इसके अलावा कांग्रेस नेता जितिन प्रसाद और जय प्रताप सिंह जो कि हेल्थ मिनिस्टर हैं, स्वास्थ्य मंत्री हैं। अब जय प्रताप सिंह पर गौर कीजिएगा, ये मैं बाद में बात करूंगा। दुष्यंत सिंह इसके बाद संसद जाते हैं। अब इस फोटो में देखिए ये किनके साथ खड़े हुए हैं, बागपत के सांसद सत्यपाल मलिक ठीक इनके साथ हैं। इनके सामने स्मृति ईरानी हैं, इनके सामने राजनाथ सिंह हैं और खुद राष्ट्रपति कोविंद हैं। बात यहां नहीं रुकती है, क्या आप जानते हैं राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुडा और डेरेक ओब्रायन, इन्होंने दोनों ने दुष्यंत सिंह के साथ बात की थी और लंच किया था। अब ये दोनों क्वारंटीन हो गए हैं, यानी कि एक तरह से कहा जा सकता है कि इतने लोगों की जान खतरे में डाल दी है। सवाल यह कि क्या अब संसद के अंदर कोरोना वायरस पहुंच गया है और अब भी संसद चलाया जा रहा है? इस मुद्दे पर क्या कहना है आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह का, आप खुद देखिए, जो कि खुद क्वारंटीन में है। उन्होंने खुद को और अपने परिवार को बंद कर रखा है, सुनिए। अभी सर आप देखिए कि किस तरीके से एक मजाक बनाया गया सरकार के द्वारा। हम लोगों ने इस बात को लेकर चिंता व्यक्त की थी कि भाई संसद के अंदर परीक्षण की, जांच की पूरी व्यवस्था की जाए, और मैंने खुद ने ये सवाल उठाया था पार्लियामेंट के अंदर कि भाई जो भी यहाँ पर अतिथि आते हैं, जो पार्लियामेंट के मेंबर्स आते हैं, जो विदेशी अतिथि आते हैं, उनकी पूरी जांच होनी चाहिए। और आज आप देखिए कि किस तरीके से परिस्थितियां उत्पन्न हो गई। एक कनिका कपूर जो सिंगर है वो लखनऊ में किसी कार्यक्रम में शामिल होती हैं जो भाजपा के लोगों के द्वारा आयोजित किया जाता है, और उसमें वहाँ तमाम मंत्री और सांसद मौजूद रहते हैं, उसमें दुष्यंत सिंह जी जो भाजपा के सांसद हैं वो भी मौजूद थे। मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर कनिका कपूर पॉजिटिव थी, कोरोना वायरस उनका पॉजिटिव निकला था, तो वो कैसे एयरपोर्ट की इमिग्रेशन पार करके कैसे वो कार्यक्रम में शामिल हो पाई लखनऊ में? ये बड़ा सवाल है। इसका मतलब जांच के स्तर पे एक बड़ी चूक वहां पर हुई। और उसके बाद दुष्यंत सिंह जी, आपने देखा होगा कि वो फिर महामहिम राष्ट्रपति जी से भी मिले और भाजपा के तमाम वरिष्ठ नेता जिसमें राजनाथ सिंह जी हैं, स्मृति ईरानी हैं, उनके साथ उनकी फोटो है, सत्यपाल मलिक हैं, जगदम्बिका पाल जी हैं, कुछ उसमें एक दो कांग्रेस के सांसद हैं मोहम्मद सादिक, ये इन लोगों के साथ उनकी फोटोग्राफी हो रही है। आज जो हमारे हाउस के सदस्य हैं डेरेक ओब्रायन, वो बताया उन्होंने कि भाई चूंकि वो 2 घंटे स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग में दुष्यंत सिंह के साथ रहे, इसलिए उन्होंने अपने आप को सेल्फ क्वारंटाइन में रखा है। अब मैं भी क्योंकि स्वयं जो हमारे डेरेक ओब्रायन हमारे अच्छे मित्र हैं और राज्यसभा के सांसद भी हैं, हमारे हाउस के सदस्य हैं, तो उनसे हम लोग दिन में कई बार मिलते जुलते रहते हैं। 19 तारीख के बाद उनकी मीटिंग हुई है, संभवतः 19 तारीख को उनकी मीटिंग हुई है, उसके बाद हम लोगों की मुलाकात राज्यसभा में हुई है। तो इसलिए सावधानी बरतते हुए, अभी मेरा कोई कोरोना वायरस के संबंध में ना मेरी कोई जांच हुई, ना मुझे पता है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और लेकिन अपने से ज्यादा दूसरों का जीवन
महत्वपूर्ण है उनको, इसलिए सावधानी बरतते हुए मैंने अपने आप को 14 दिनों तक सेल्फ क्वारंटाइन में, सेल्फ आइसोलेशन में रखने का निर्णय लिया है। परिवार के भी हमारे जो सदस्य हैं वो भी सेल्फ आइसोलेशन में रहेंगे। दोस्तों, मैं जो मुद्दा यहां उठा रहा हूं कि संसद को बंद करना चाहिए, और आप जानते हैं क्यों बंद नहीं किया गया अब तक, क्योंकि अगर संसद कुछ दिनों पहले बंद कर दिया जाता तो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ यही दलील अदालत में देते कि देखिए संसद तो बंद हो गया है, तो मध्य प्रदेश की विधानसभा कैसे खुली रह सकती है कोरोना वायरस के खतरे के चलते। यही देखते हुए मोदी सरकार ने संसद को बंद नहीं किया, क्योंकि वो मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार गिराना चाहते हैं। क्या इन लोगों को शर्म आती है? क्या तुम्हें शर्म आती है कि इस तरह से खुलेआम तुम लोग सियासत करते हो? लोगों की जान की परवाह नहीं है आप लोगों को? आप बताइए, जो तमाम बातें मैंने आप सबको बताई हैं ये मेरे दिमाग की उपज नहीं है, तथ्यों के आधार पर मैंने आपको एक एक चीज बताई है। तो ये बात तो हो गई हमारे संसद की। संसद के अंदर कई पत्रकारों की जान भी खतरे में है। अब आइए मैं आपको सुनाता हूं कि वरिष्ठ पत्रकार नरेंद्र मिश्र क्या कह रहे हैं, जो कि नवभारत टाइम्स में काम करते हैं, सुनिए। दुष्यंत सिंह जब आइसोलेशन में चले गए हैं उसके बाद से कई मीडिया वालों के लिए भी चिंता की बात आ गई है। अगर दुष्यंत सिंह की बात करें तो पार्लियामेंट में वो मीडिया से काफ़ी इंटरेक्ट करते रहते हैं जब भी निकलते हैं, और अगर पार्लियामेंट की रिपोर्टिंग आप जानेंगे तो वहाँ पे जैसे लंच हो गया या कोई ब्रेक हो गया उसके बाद सारे सांसद निकलते हैं बाहर, और मीडिया वालों का काम होता है कि उनसे वो जाके बात करते हैं। सब जगह उस परिसर में सारे MP से सभी लोग खुल के मिलते हैं, बहुत नज़दीक जाके मिलते हैं। तो जिस तरह से कई सारे आपने देखी होगी कि दुष्यंत सिंह के बाद डेरेक ओब्रेन, अनुप्रिया पटेल या कई लोग आइसोलेशन में चले गए हैं, उसी तरह मीडिया वालों के लिए भी बड़ा लग रहा है कि उनको अब क्या करना चाहिए। एक सेफ्टी के लिए चिंता की बात हो रही है। अब कनिका कपूर के मैप का जो एक ग्राफिक जो मैंने आपको दिखाया था उसके इस दूसरे हिस्से में जाइए, इसमें आप देख सकते हैं स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह के साथ उनका जो है कांटेक्ट हुआ था। इसके बाद 17 मार्च को ये कैबिनेट मीटिंग में भाग लेते हैं, और इस कैबिनेट मीटिंग में ये तीन चेहरे होते हैं, योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा जो कि उप मुख्यमंत्री हैं। यानी कि एक कनिका कपूर के चलते इतने लोगों की जान जो है वो खतरे में आ गई है। जिम्मेदारी किसकी है बताइए मुझे। आपको याद है यही न्यूज क्लिक पर मैंने आपको बताया था साउथ कोरिया के पेशेंट नंबर 31 के बारे में, कि किस तरह से पेशेंट नंबर 31 जो कि डाइगू सिटी में थी, डाइगू शहर में थी साउथ कोरिया में, वो लगातार घूमती रहा या घूमती रही जो भी रही होंगी, क्योंकि उनका उनकी पहचान अभी जाहिर नहीं है, और उनकी वजह से साउथ कोरिया के 80% मरीज जो हैं वो पैदा हो गए। यानी कि इस एक पेशेंट नंबर 31 के चलते जो कुल आंकड़ा है कोरोना वायरस का साउथ कोरिया में, उसमें से 80% इसी मरीज के चलते था। कनिका कपूर एक कदम और आगे जाती हैं। कैसे जाती है मैं आपको बताता हूं। ये वो धन्ना सेठ हैं, ये वो राजनीतिक रसूख वाले लोग हैं जो अपने राजनीतिक रसूख का इस्तेमाल करके आपकी और हमारी जान खतरे में डाल रहे हैं। आप जानते हैं कोरोना वायरस ने सही मायने में कहा जाए तो हम सबको एक्सपोज किया है, खासकर पढ़े लिखे और धनी लोगों को। आप मुझे बताइए ना, विदेश में, साउथ कोरिया में या अमेरिका में, उनके जो अरबपति हैं वो अपनी तरफ से जबरदस्त पैसे का योगदान दे रहे हैं इस लड़ाई में लड़ने के लिए। भारत के अंदर 138 अरबपति हैं, इनमें से किसने योगदान दिया है कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई लड़ने में, बताइए? कोई जवाब है? क्योंकि जब बैंक से पैसा निकालना होता है, देश से भागना होता है और वो पैसा वापस नहीं लौटाना होता है, तब तो बहुत आगे हैं ये लोग। जब कॉन्ट्रैक्ट्स हासिल करना है तब बहुत आगे हैं, मगर देश के योगदान में ये लोग कुछ नहीं करेंगे। आप बताइए ना, क्या यह सवाल लाजमी नहीं है? और पढ़े लिखे बेवकूफ, मैं आपको बता नहीं सकता हूं, इनमें से कई लोग मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, मेरे साथ स्कूल और कॉलेज में थे, जो मेडिसिन पढ़ रहे थे, कई डॉक्टर्स हैं, और ये अपनी तरफ से इतनी वाहियात बातें कर रहे हैं।
कि ताली बजाने से कोरोना वायरस भाग जाएगा। खैर, ये आपकी इच्छा है, ये आपका कर्म है। आप एक राजनीतिक सोच के चलते खुद को बेवकूफ बनाना चाहें तो बिल्कुल बनाएं, मैं क्या कह सकता हूं। बोल के लब आजाद है तेरे में, बस इतना ही। मेरी आप सबसे अपील कि इस कार्यक्रम को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, इसे लाइक करें, शेयर करें और न्यूज क्लिक के हमारे चैनल को न सिर्फ सब्सक्राइब करें बल्कि वो बेल आइकन भी जरूर दबाएं। नमस्कार।